तो फाइनली गाइस आ चुके हैं लियो के एक और न्यू एपिसोड में वापस। तो भाई आज चल रहा है ट्यूजडे एंड दशहरा भाई कितना परसेंट गाइस वो आ सकता है। सुबह मेरी भाई कितनी प्रेशर थी, क्या भाई उतना ही नंबर दिख रहा है या फिर भाई उससे ज़्यादा या फिर कम, मतलब कि भाई 23 करोड़ से मामला ज़्यादा जा रहा है या फिर कम जा रहा है, और भाई टोटल नंबर है भाई कितना है, और मंडे का भाई क्या हाल चाल रहा, क्या लास्ट अर्ली एस्टिमेट है भाई निकल के सामने आ रहा है जो मैंने बताया था, क्या वो राइट हुआ रॉन्ग हुआ, और थोड़ा भाई हम फर्स्ट हाफ वीकेंड का कुछ मेन कंट्रीज ओवरसीज का क्वेश्चन भी देखेंगे कहाँ पे भाई इसने कितना क्वेश्चन किया कंपैरिजन टू अनदर साउथ पिक्चरें ओवरसीज से इसने ज़्यादा क्वेश्चन किया या फिर कम, जैसे KGF से ज़्यादा किया है, ट्रिपल आर से ज़्यादा किया है, बाहुबली 2 से ज़्यादा किया है या फिर नहीं फर्स्ट हाफ वीकेंड में। तो भाई इस वीडियो आगे बढ़ाऊँ भाई, उससे पहले सबसे छोटे रिक्वेस्ट है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब क्या कर रहे हो यार जल्दी करो सब्सक्राइब इसी तरह भाई अपडेटेड वीडियोस के लिए। तो भाई सबसे पहले यार ओवरसीज में ही नजर है गाइस बोर्ड डाल लेते हैं UAE एंड GCC में। देखो गाइस ये टोटल ओवरसीज के जो मैं सभी को भाई अभी नंबर से बताने वाले हम ये सिर्फ फर्स्ट हाफ वीकेंड के हैं संडे तक के। UAE एंड GCC 5.58 मिलियन, इंडियन रुपीज 46.40 करोड़। मैंने स्टार्टिंग से बताया था जब इसका एडवांस चल रहा था डोमेस्टिक में और ओवरसीज में कि भाई ये UAE एंड GCC में काफ़ी ही ज़्यादा स्ट्रांग है, ये SRK के जवान और पठान को टक्कर दे रही है, और पठान और जवान को टक्कर देने के साथ साथ भाई उनको वीट भी कर रही है। और देखो यार नंबर, मतलब कि इस तरह UAE एंड GCC में भाई इंडियन पिक्चर कोई क्लश निकाल ही नहीं पाती है यार, जिस तरह भाई इसने निकाला है ये भाई BJ की पावर है, BJ का ओवरसीज का फैन बेस है, और वो भी भाई एक तमिल की पिक्चर है और तमिल के व्यूवर्स ओवरसीज में, सोचो यार। एंड नेक्स्ट गाइस नॉर्थ अमेरिका 36.90 करोड़, भाई इंडियन रुपीज डायरेक्टली करके बता रहे हैं, ज़्यादा मीनिंग यार कौन बात करे, डायरेक्टली जा रही है इंडियन रुपीज़ में 36.90 करोड़ यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका। एंड मलेशिया में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी भाई 17.22 करोड़ फर्स्ट हाफ वीकेंड में, और क्या चाहिए यहाँ कई सारे भाई पिक्चरें 20-25 करोड़, तो भाई ओवरसीज का टोटल नंबर है भाई रहता है उनका, और यहाँ पे देखो एक एक कंट्री का 20-25 करोड़ ओनली फॉर फर्स्ट हाफ वीकेंड, ये लाइफ टाइम नहीं है। एंड UK आइलैंड लगभग 12 करोड़ एंड 70 लाख से ज़्यादा है, और सिंगापुर में गाइस यहाँ पे 10.80 करोड़, भाई सिंगापुर में यहाँ पे तमिल का छोड़ो यार, तमिल पिक्चरों छोड़ो पूरे ओवरऑल पूरे भारत के पिक्चरों को यार यहाँ पे वेट कर दिया भाई, और क्या चाहिए सिंगापुर में इतनी ज़्यादा स्ट्रांग चल रही है, मतलब सिंगापुर की खुद की पिक्चरों को यार यहाँ पे वेट कर रही है। एंड ऑस्ट्रेलिया में 6.14 एंड न्यूजीलैंड में 88.30 लाख नंबर से, जो कि अनदर बचा हुआ 21.20 करोड़ के आसपास फिगर है गाइस वो बताई जा रही, जो कि गाइस ये अर्ली एस्टिमेट है, ऑल सभी कंट्रीज का ऐड करते हैं भाई तो ये नंबर होता है 151.50 करोड़, ऑलमोस्ट 152 करोड़ इसने अपने 4 दिनों के वीकेंड में ओवरसीज से गाइस नंबर है वो निकाला है भाई 152 करोड़, वो भी एक साउथ की पिक्चर, यहाँ पे यार कोई डोमेस्टिक बड़ी बड़ी पिक्चरें गाइस 150 करोड़ से ज़्यादा नहीं निकाल पाती हैं, और यहाँ पे हिंदी का देखो भाई बड़े बड़े सुपरस्टार की जैसे कि अक्षय की पिक्चर आए, कई सारे बड़े सुपरस्टार की पिक्चर आ रही है भाई उनका डोमेस्टिक 150-200 करोड़ के बेस में नहीं जा पाता, और यहाँ पे ओवरसीज पे 150 करोड़ से ज़्यादा है। हाँ बाप बोलोगे यार SRK देखो उनको यार साइड में करो, वो तो ओवरसीज के आसोई को पता बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे BJ की बात कर रहे हैं, एक साउथ की पिक्चर की बात कर रहे हैं मेरे भाई, यहाँ पे कोई SS राजा मौली की पिक्चर नहीं है, हाँ अगर उनकी होती तो भाई ये तो फिर काफ़ी ईजिली है, बट ये लोकेश कनकराज है भाई, और 18.24 मिलियन $ ये नंबर है गाइस टोटल ओवरसीज का, ठीक है। और फर्स्ट हाफ वीकेंड हाईएस्ट, ओ यहाँ पे फर्स्ट हाफ वीकेंड हाइएस्ट क्वेश्चन करने वाले पिक्चरें देखते हैं भाई कौन सी है नंबर वन पे, तो भाई साउथ की पिक्चरें की बात करेंगे यहाँ पे बॉलीवुड की ऐड नहीं करेंगे। बाहुबली है गाइस नंबर वन पे 22.5 मिलियन के साथ हाईएस्ट वीकेंड क्वेश्चन करने वाली पिक्चर ओवरसीज में। भाई देखो हम ये नहीं देखेंगे भाई कोई एक्सटेंडेड वीकेंड के साथ आई है, किसी का 3 दिन का वीकेंड है, किसी का 4 दिन का है, किसी का 5 दिन का है, वो नहीं देखेंगे हम, डायरेक्टली नंबर देखेंगे। तो नंबर वन पे है बाहुबली 2, और नंबर टू पे अब आ चुकी है भाई साहब लियो 18.24 मिलियन के साथ, मतलब कि सेकेंड पिक्चर भाई राजा मौली की ट्रिपल आर, भाई साहब उसको वेट कर दिया,
उसके कितने 60 मिलियन, और नेक्स्ट गाइस जेलर 15.35, नेक्स्ट गाइस केजीएफ 2 14.60 मिलियन। भाई यहाँ पे देखो लियो यार, मतलब छा गई यार। मैंने परसों बताया था आपको यार, ओवरसीज में कई सारे रिकॉर्ड्स है भाई वो ध्वस्त कर चुकी है। और बाकी गाइस यूएसए कनाडा हाँ हो गया। सिंगापुर की बात करते हैं भाई, टॉप ग्रॉसर मूवीज जेलर है गाइस 1.78 मिलियन के साथ, जो कि सेकंड नंबर पे अब आ चुकी है लियो 1.66 मिलियन के साथ ओनली फॉर 4 डेज मेरे भाई। और ये जेलर का लाइफ टाइम का है, काफ़ी क्लोज है, और सिंगापुर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग भी है। एंड उसके नीचे फिर पोंडियन सिल्मन है, बारसू है, जवान है, पठान है, भाई उन सभी को ये ध्वस्त कर चुकी है सिर्फ 4 दिनों में। और ये रहा भाई टोटल नंबर्स जो ओवरसीज कंट्रीज का था पहले 4 दिनों का वीकेंड, जो कि 152 करोड़ के आसपास है। अब बात करते हैं भाई अपने डोमेस्टिक की, पहले 5 दिनों में नंबर का इसका कितना हो चुका है। देखो भाई ओवरसीज से मंडे का नंबर आया 10 करोड़, जी हाँ 10 करोड़ के आसपास फिगर आई है ओवरसीज की मंडे की। ये होता है टोटल भाई 162 करोड़ के आसपास ओवरसीज फर्स्ट हाफ 5 डेज। तो बात करते हैं हम सीधा डोमेस्टिक ऑल ओवर लैंग्वेज का भाई, ऐड करते हैं डोमेस्टिक कितना होता है भाई सारा। तो भाई सबसे पहले मंडे की ऑफिशियली फिगर नहीं आई है भाई, ये अर्ली एस्टिमेट है, ऑफिशियली फिगर भाई मेकर नहीं दे रहे हैं। 35.70 करोड़ के आसपास है भाई मंडे का जो अर्ली एस्टिमेट आ रहा है। मेरी पेशेंट थी भाई 33 से लेकर 34 करोड़ के आसपास। भाई यहाँ पे सरप्राइज गिफ्ट मिल गया नंबर भाई, मेरी पेशेंट के अनुसार भाई ज़्यादा चला गया। मतलब जो मेरी पेशेंट थी तमिल को छोड़ के अनदर लैंग्वेज की गाइस, वो तो राइट ही हुई है, तमिल का थोड़ा नंबर है गाइस वो ज़्यादा आ गया। एंड तमिल का 31.11 करोड़ के आसपास अर्ली एस्टिमेट है, जो कि गाइस तेलुगु का 2.55 एंड हिंदी का 1.85 एंड बाकी गाइस 20 लाख के आसपास कनाडा लैंग्वेज का है। और ये टोटल नंबर्स पे ना सको भाई बता दिया 35.70 करोड़। करते भाई सभी को ऐड, तो गाइस ये होता है डोमेस्टिक नेट पहले 5 दिनों में 225 करोड़ ऑल लैंग्वेज का, जो कि वर्ल्ड वाइड 425 करोड़ के आसपास है, 425 करोड़ समथिंग अराउंड। तो गाइस ये रही भाई वर्ल्ड वाइड की फिगर। यहाँ गाइस देखो ये अर्ली एस्टिमेट है, क्योंकि मेकर्स गाइस ऑफिशियली फिगर नहीं दे रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि फिर फिगर गाइस 450 करोड़ से ज़्यादा होगी। यहाँ पे 450 करोड़ से ज़्यादा पहले 5 दिनों में, बट क्या करें मेकर्स फिगर नहीं दे रहे, इसलिए भाई एस्टिमेट एंड ट्रेड के हिसाब से ही चलना होगा। तो बात करते हैं गाइस अब आज की भाई कितना नंबर से गाइस वो आ सकते हैं ट्यूजडे दशहरा। तो भाई 60% कल थी सुबह की, आज गई 55। देखो भाई शोज सेम ही है जो कल थे वही आज है, और 78 कल थी आफ्टरनून जो गाइस आज गई 75, थोड़ी सी ड्रॉप हुई है। कल 77 थी इवनिंग की जो गाइस आज गई 72, यहाँ पे थोड़ी सी ही भाई ड्रॉप हुई है। एंड सिटी बाई वाइज चेन्नई में 1290 शोज में 81 के आसपास ऑक्युपेंसी आ रही है। हाँ भाई अब चेन्नई में भाई थोड़े थोड़े शोज हैं गाइस, बहुत थोड़े, मतलब कि पहले तो यार टोटली ब्लैक रहते थे, मतलब ऑरेंज भी नहीं यार, टोटली ब्लैक, मतलब कि एक भी सीट खाली नहीं है, कोई कैपेसिटी नहीं है भाई बैठने की। अब जरूर भाई थोड़े ऑरेंज दिखने लगे, यानी कि फीलिंग फास्ट है। और बेंगलोर में 588 शो में 56 के आसपास है, एंड नेक्स्ट गाइस मदुरई में 183 में लगभग 67 के आसपास है। तो बाकी ज़्यादा यार सिटी बाई बात नहीं करेंगे, क्योंकि एपिसोड यार ऑलरेडी लंबा हो चुका है। तो डायरेक्टली नंबर्स पर जाते हैं गाइस कितना आ सकता है आज। सबसे पहले भाई हिंदी 2.50 करोड़ के आसपास अर्ली एस्टिमेट दिख रहा है भाई, 4100 शोज है, 4100 के आसपास शोज है भाई, और 2.5 करोड़ के आसपास अर्ली एस्टिमेट दिख रहा है। कंपैरिजन यस्टरडे टू टुडे भाई बड़ा जंप दिख रहा है। और तमिल का भाई लगभग 26 करोड़ के आसपास एस्टिमेट दिख रहा है भाई 6800 शोज में, जो गाइस कल भी इतने ही शोज थे। 26 करोड़, मतलब कि यार थोड़ा ज़्यादा ही ड्रॉप हो गया यार, 31 से भाई सीधा 26। ये तमिल है, सरप्राइज गिफ्ट भी मिल सकता है, क्या पता ये सुबह 28 के आसपास हो जाए, बट गाइस अभी 26 के आसपास ही दिख रहे हैं। एंड आईमैक्स वर्जन 49 लाख आए यहाँ पे तमिल का, जो कि तेलुगु का 3.40 करोड़ के आसपास दिख रहा है, और कनाडा लैंग्वेज का लगभग 23 लाख के आसपास दिख रहा है। करते हैं भाई सभी को ऐड, यहाँ पे देखो भाई 26 करोड़ तमिल और 3 करोड़ भाई तेलुगु, ये हो गया भाई 29 करोड़, ठीक है। और 3 करोड़ 40 लाख फिगर थी ना यहाँ पे तेलुगु की, 40 लाख ये ऐड करते हैं, और आईमैक्स का 49 करते हैं, चलो मोटा मोटा सीधा 1 करोड़, ये हो गया भाई 30 करोड़ हो गया। और हिंदी वर्जन का है 2.50 करोड़, ये हो गया भाई 32.50 करोड़। और अब भाई ये कनाडा लैंग्वेज का 23 लाख बच गया, तो करते हैं भाई इसी को भी ऐड, 32.73 करोड़ दिख रहा है, मतलब कि 32 से लेकर भाई 33 करोड़ के आसपास अर्ली एस्टिमेट दिख रहा है
ट्यूजडे का एंड डे नंबर वाइज सिक्स का आज दशहरा का भाई। हाँ कल के मुकाबले यार थोड़ा सा ड्रॉप हुए हैं और ये सिर्फ भाई तमिल लैंग्वेज का ही हुआ, बाकी नदर का ठीक है जो कल था भाई वही चल रहा है, कल के मुकाबले यार जंप ही दिख रहा है। तो ये रहा भाई टोटल नंबर आज का, यानी कि भाई वर्ल्ड वाइड में 49 टू 50 करोड़ के बीच में दिख रहा है भाई सिक्स ऑफ डे, करते हैं भाई मतलब इसको भी ऐड। तो गाइस ये होता है पहले छः दिनों में वर्ल्ड वाइड में 475 करोड़, जी गाइस 475 करोड़ यहाँ पे क्लशन करेगी भाई लियो अपने छः दिनों में, जो कि डोमेस्टिक 225 है तो इसमें भाई ये वाली फिगर ऐड कर लो लगभग 33 करोड़ के आसपास, तो गाइस ये होगा लगभग यहाँ पे 30-20 हो गया गाइस 50 और 5 यानी कि लगभग 258 करोड़ के आसपास 258 समथिंग अराउंड गाइस। देखो ये अर्ली एस्टिमेट है, अब नंबर्स कितना है ये मेकर्स को पता होगा, ये प्रोड्यूसर को पता होगा भाई, और उम्मीद करते हैं भाई प्रोड्यूसर फिगर देंगे यार कभी तो कभी। क्या हो गया यार उनको, बहुत मतलब टोटली साइलेंट ही हो गए यार, चुपचाप बैठ गए हैं। तो फिलहाल गाइस सभी के तो इतना ही, एंड आई होप गाइस सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइस मुझे लगता है कि यार ये 6 दिनों में 500 करोड़ पार है गाइस वो जा चुकी है, लेकिन क्या करें यार ट्रेड नहीं ट्रेड मतलब वो मेकर्स फिगर नहीं दे रहे हैं यार, क्या करें भाई ट्रेड के हिसाब से चलना होगा। तो बाकी भाई सुबह देखते हैं कल भाई कितना एडवांस रहता है डे नंबर 7 का, 8 बजे मिलेंगे भाई सुबह, तब तक के लिए